मैं हूं नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नौशाद अली। पंजाब कॉलेज और पंजाब कॉलेज, ये ऐसा इशू है जो कि काफी अरसे से हमारी हेडलाइंस में आ रहा है, लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं। आज की खबरों में ये था कि आज लाहौर हाईकोर्ट में इसका जिक्र हुआ और आईजी की काफी एक हवाले से खिंचाई की गई कि जब आपको पता था ये वीडियो वायरल होने जा रही है तो आपने उसको रोका क्यों नहीं और ये एहतजाज क्यों होने दिया। एक तो ये खबर, दूसरा ये कि वजीर आला पंजाब को जो इंक्वायरी कमेटी थी उन्होंने रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें पता लगा कि कोई मुद्दई है ही नहीं। इसी तरीके से और भी मामला इस पे अपडेट्स आई हैं। नौशाद साहब, मुद्दई है नहीं, खिंचाई हो रही है आईजी की, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालत है, वो तो अपने पर्सपेक्टिव से कोई भी काम करती है। उनको ये लगता है कि चूंकि इसके अंदर एक पहलू था कि सोशल मीडिया एक पोस्ट वायरल हो रही थी, यानी संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन वो सामने आ रही थी, तो उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया गया। वैसे तो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि आपके यहाँ जब कोई चीज़ जो है वो चीज़ सरफेस होती है, उसके फौरन बाद उसका काउंटर आर्गुमेंट या उसकी सच्चाई या उसकी हकीकत जानने का काम हो जाना चाहिए। इससे पहले कि वो वायरल हो जाए, उससे पहले ही उसको चेक कर लिया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से, आपको पता है, मैंने आपको उस दिन भी प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो 90 की दहाई की जो तर्ज हुकूमत है वो उसी को आगे लेके चल रहे हैं। आज की जो आज की ज़रूरियात हैं उसके मद्देनज़र उनको पता ही नहीं है कि ये क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एक साइंस है और इसको पकड़ने का, इसके ऊपर इसको काउंटर करने का और इसके कंपेन्स को कंट्रोल करने का ये एक पूरा एक सिस्टम है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप घर सोए होंगे और खुद ब खुद कोई चीज़ होती चली जाएगी और आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे और अल्टीमेटली जब वो स्प्रेड कर जाएगी, क्योंकि फिर जब आप काउंटर आर्गूमेंट देते हैं तो वो उतने लोगों तक जा ही नहीं सकता जिस तरह से कोई भी चीज़ जो है, क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी है या इवन जो मामलात हैं वो जो बात है वो ज़्यादा स्प्रेड करती है। आप जब दुरुस्त बात करते हैं, मैं और आप यहाँ बैठ कर ये जो लेक्चर देने की कोशिश करते हैं, ये भी लोग देखना मुनासिब नहीं समझेंगे अंटिल अनलेस इसके अंदर कोई न्यूसेंस वैल्यू ना हो या इसके अंदर कोई खबर मौजूद ना हो। तो बहरहाल ये तो अदालत बेहतर समझती है कि वो किन नुकात पर आई जी साहब को क्या हिदायत दे रही है, लेकिन बहरहाल हमारे अपना तर्ज हुकूमत जो है उसको बहुत जदीद जो आज के दौर के हिसाब से बनाने के लिए बहुत जिसे ना प्रॉम्प्ट रिएक्शंस की ज़रूरत है, वो उसका मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है कि कैसे आपने चीज़ों को जांचना है, देखना है कि माशरे में क्या हो रहा है और फिर उसके बाद उस पर जो है ना उसको काउंटर करने वाला मामला है। मुद्दई कहाँ है सर? मुद्दई कहाँ? ये जो मामला है आपको पता है, पहले दिन मैंने आपसे कहा था ना मुद्दा है और ना मुद्दई है। अब तो ये हालत हो गई है कि वो जो बच्चियाँ बेचारी जो उस वक्त मिलियन व्यूज़ लेने के लिए, या मिलियन व्यूज़ जो है ना ये इस कॉम को ले बैठेगा, अल्लाह ना करे, ये जो मिलियन व्यूज़ की चाहत है टिकटॉक और ये सारे जो एप्लीकेशन हैं इनके ऊपर मशहूर होने का जो शौक़ है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इस माशरे के लिए। असल मामला ये है कि वो जिन बच्चियों ने इस तरह की बयानात दिए, वीडियोज़ बनाई या सोशल मीडिया पर ये इसको इस पूरी कंपेन का हिस्सा बने, अब वो बेचारी वीडियोज़ कर रही हैं कि हमने सुनी सुनाई बात पर बात की थी। सॉरी, माफ चाहता हूँ। जो खसूसी कमेटी की रिपोर्ट एक सीएम को पेश की गई है उसके अंदर भी यही कहा गया कि जितने भी लोगों को जो कंसर्न जो दावे कर रहे थे कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियोज हैं, हमने खुद देखा, मैं एक वीडियो देख रहा, एक शॉर्ट देख रहा था, शॉर्ट कहते हैं हम साउंड ऑन टेप, जो बच्चा कोई कंसर्न आदमी जब कोई मीडिया से बात करता है तो वो कह रही है कि जी मैंने खुद देखा, मैं एनी शाहिद हूँ। उसको एनी शाहिद का मतलब भी नहीं पता, एनी शाहिद हूँ, मैंने वीडियो देखी। सो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि कच्चे जहन होते हैं ये नौजवान नस्ल, यंग एज के जो बच्चे हैं उनको वो चीज़ों का उतनी उस तरह अदराक नहीं होता, उनको इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको चेक करना भी नहीं आता, उसको उसके सोर्सेज भी नहीं चेक कर सकते, वो सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हैं और वो जो इनकम जो भी उनके चल रहा होता है उस जो जैसे कहते हैं ना एक जो वेव होती है उसके अंदर वो बहना शुरू हो जाते हैं। और जो सोशल मीडिया का जो सिस्टम होता है ये एक बबल बनाता है, एक बबल बना के उसके अंदर जो है ना वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं वो उसी बबल से। मुझे याद आया कि एक सोशल मीडिया पे एक और पोस्ट भी चल रही है जिसमें कोई पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं आपस में बात कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स इस मामले को उभारें, ये करें वो करें, आप सामने ना आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो यही मामला है ना बेसिकली, ये आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इसके पीछे थे, जिन्होंने मुहिम चलाई, जो ये करने की कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को जो है वो फ्लेयर अप किया जाए। क्यों किया जाए ये मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, ये पीटीए कर रही है इसके पीछे सारी। वो तो ओपन वजीर आला ने कहा नहीं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं, केपीके के अकाउंट्स हैं बाहर से, जो पाकिस्तान से बाहर के अकाउंट्स हैं और जो जहाँ जहाँ ये तय हुआ है उन्होंने तो ओपन कहा, उन्होंने तो वजीर आला साहब के खानदान का नाम भी लिया है।
सो ये तो आपको नतीजों की बात ही नहीं है। अब मामला ये है कि उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो सारा मामला था ये सुनील साई पर मबनी था, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके ये सिर्फ यही मामला नहीं है, जे आई टी भी तश्कील दे दी गई है, जहाँ तक दाखिला के मातहत कोई 6-7 लोग हैं, उसमें एस एस पी नवीद हैं, वो शायद उसको हेड करेंगे, और फिर साथ जो आपके जो खुफिया इदारे हैं या तहकीकती एजेंसी हैं उनके इदारे ने भी कहा है कि वो जो बच्ची है जो सामने आई है उसको उसका बयान लिया जाए बाकायदा तौर पर और उससे पूछा जाए कि उस पर कोई दबाव तो नहीं है। जी जी ठीक है, बयान लेना चाहिए। देखिए मैंने पहले दिन से मेरा ये स्टांस था, मैं अब आज तक आप ये बात कर रहे हैं, मैं तब भी ये इस चीज़ की तरफ बात कर ही नहीं रहा कि वाकया नहीं, यानी मैं उसकी निगेशन नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वाकया हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ एविडेंस, कोई ट्रेसेस, कोई उसके ऊपर कोई गवाह, कोई चीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर एग्जिस्ट करता है। और ये जो अभी आर्ग्यूमेंट है ना कि जी ये आज के दौर में ये बात कहना कि जी हम यहाँ से सब डिलीट करा लिया गया और ये कर दिया, ये सब झूठ पे मबनी था, ना फुटेज डिलीट हुई ना कोई वीडियो डिलीट हुई। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आजकल कोई भी जरा सी चीज़ कोई मामला हो जाता है, हर बंदा मोबाइल निकाल के खड़ा हो जाता है, और कोई एक बंदा नहीं होता, वहाँ दर्जनों की तादाद में। और ये तो स्कूल कॉलेज की बात है जहाँ पे हर बच्चे के पास मोबाइल है और हर बच्चा जो है वो चीज़ों को जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, और इस तरह का कोई इवेंट हो तो वो फौरन सारी दुनिया के सामने आ जाता है। सो इसलिए ये बात तस्लीम किया जाना मुश्किल है कि जी ये इसकी कोई चीज़ जो एविडेंस क्रिएट हो वहाँ से गायब कर दिए गए, कर भी दिए गए हों, फिर भी कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि कुछ एक चीज़ नहीं होती, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, फिर आपके जो क्राइम का जो सीन होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर गवाह मौजूद होते हैं, किसी ना किसी ने देखा होता है, उसकी कोई चीज़ होती है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिल जाती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये वाकया जो पहले दिन जब से हो रहा है अब तक की जो उसकी चीज़ें सामने आई थी उस हिसाब से ये वाकया नहीं हुआ। अब भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही हैं, कहीं पे कोई चीज़ ऐसी कोई सब्सटेंशियल चीज़ सामने आई ही नहीं है, माँ सिवाय उन लोगों की स्टेटमेंट्स के जिन्होंने इस बार इस मुहिम को चलाया, इसमें इसका ईंधन बने, इसको स्प्रेड किया जाने अनजाने। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात थी ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है, इसको प्रॉप किया जाना चाहिए। जे आई टी बनी है, उसकी फाइंडिंग्स पब्लिक के सामने आनी चाहिए, और वो ना सिर्फ पब्लिक के सामने आनी चाहिए बल्कि खास तौर पर उन लोगों को ये जो स्कूलों कॉलेजों के अंदर उसकी अवेयरनेस के लिए प्रॉपर बंदोबस्त किया जाना चाहिए। और मैंने तो आपको कहा कि स्कूल लेवल से ये जो है ना अब आपको मीडिया सोशल मीडिया, क्योंकि ये अब आज के वक्त के अंदर आज जिस दौर में आप जिंदा हैं वहाँ पर ये इस पर जंगें लड़ी जा रही हैं। ये कोई आपको बहुत सी चीज़ें चीन पाकिस्तान अमरीका के अंदर, अभी चीन की 3 दिन पहले की एक रिपोर्ट है जिसमें अमरीका जो है वो कैसे कैमोफ्लाज करके दूसरे ममालिक पे मुद्दा डालता है कि जी वो खुद सारा कुछ करता है कि जी इसने हैकिंग की है, इसने ये ऑनलाइन चोरी की है, ये किया है, वो किया है, और खुद कर रहे होते हैं। तो चीन का ये दावा गलत भी हो सकता है। इसी तरह अमरीका की रिपोर्ट आई है इंटरनेट की आज़ादी की है। तो मकसद कहने का ये है कि आपका जो इस वक्त टॉपिक है वो इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपके लिए मुश्किल बढ़ रही हैं। तो अगर आप आज काम नहीं करेंगे, आप उसको कंट्रोल करने के लिए अभी से मैकेनिज्म डेवलप नहीं करेंगे तो आपको ये थोड़े अरसे की और की बात है, उसके बाद तो आपसे चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। सो इसलिए हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और बाबे इख्तियार को सोचना चाहिए, और अपने तमाम कामों के साथ साथ प्रायोरिटी में ये काम किया जाना चाहिए। मीडिया लिटरेसी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ इसको कंट्रोल करने के जो सिस्टम्स हैं, मैकेनिज्म हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट बंद कर दें, मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर इस तरह के जो है वो चीज़ें तैयार की जानी चाहिए जिससे पता चल सके कौन कहाँ पर क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, और फिर उसका स्प्रेड क्या है, क्यों स्प्रेड दिया जा रहा है, स्प्रेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको रोकना है, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट डेवलप करना है। रोकने को भी अगर हो सकता है, लोग कहेंगे मैं आज़ादी सलब करने की बात कर रहा हूँ, काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट का स्प्रेड भी इतना ही जरूरी है। सो ये काम करने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो सोचती नहीं है, और तो अभी तो आईनी तरमीम के ऊपर ही बहस चल रही है, आपको बताइए दिन रात 2 बजे भी वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान के घर जा रहे होते हैं, वो सारा जो मामला है वो सारी इस वक्त जो आपकी हुकूमती मुसद्दा बन गया है वैसे उसके ऊपर इत्तेफाक राय भी हो गया जी हो गया है, लेकिन वो पीटीआई कह रही है हमें तो मुसद्दा कोई और दिखाया है और ये बात कुछ और है, अभी हम मुलाकात कर रहे थे और इन्होंने कह दिया कि जी हो गया मुसद्दा तैयार हो गया। सो अभी इसको तो एक दो दिन और लगेंगे अभी ये चीज़ों का, लेकिन मेरा मकसद है कि हमारी बहसें क्या हैं और दुनिया के अंदर बहसें क्या है। अगर हमने एतवार आना है दुनिया जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ अपने आप को जिंदा रखना है तो हमें भी किसी सतह के ऊपर खास तौर पर ये जो आज की वॉकी टॉकी फाड़ के और वो करके जनाब क्या क्या मामला कर दिए तो हमें उस चीज़ों को समझना है। कंट्रोल और डिलीट कौन करेगा ये बताएं।
किस चीज को? ये जो सोशल मीडिया पे चल रही है मामला, इसको रोकेगा कौन? कौन रोकेगा इसको? भाई हुकूमत का काम है, ये घूमते ही किया करती है, ये सारी दुनिया की घूमते ही कर रही है। इस वक्त तो बरतानिया के अंदर जो कुछ हुआ था तमाशा, चंद माह पहले जो लगा था एक गलत पोस्ट में, जो है वहां पे कितनी बड़ी वो न्यूसेंस क्रिएट कर दिया था। सो अब ये इसलिए ये जो है ये इसको समझना पड़ेगा, ये एक ऐसा टूल है, ये फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको ईमानदारी बात करूँ, बात अच्छी नहीं है लेकिन मिसाल ये बंदर के हाथ में माचिस है। सो इसलिए हमें बड़ी मुख्तार तरीके से चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी।